हे गाइस, दिस इज विदित अवस्थी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। तो गाइस, कुछ दिनों से मुझे यूट्यूब के कमेंट्स पे और इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ऐसे डीएम्स आ रहे हैं कि प्लीज विदित, हमें अच्छा सा गिटार सजेस्ट कीजिए इस पर्टिकुलर बजट रेंज में। तो गाइस, कई मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि प्लीज हमें 4 से 5 हज़ार के बीच में कौन सा बेस्ट गिटार रहेगा वो हमें सजेस्ट कीजिए। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं 2,500 से 3,000 के बीच में कौन सा बेस्ट गिटार रहेगा वो हमें सजेस्ट कीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आप सभी को बजट कैटेगरी के हिसाब से एक बेस्ट गिटार सजेस्ट करूं और आप उसको बाय करके प्ले कर सकें। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा एक और मोटिव था। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 16th से हमारे अमेजोन पे ग्रेट इंडियन सेल आने वाली है। तो गाइस, उस सेल में गिटार्स पर काफी डिस्काउंट रहता है, ठीक है। तो जैसे हमारे कोई 7,000 का गिटार है वो तकरीबन 5,000 to 6,000 के बीच में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट पर मिल जाता है। तो मेरा मोटिव यही था कि अगर कोई भी अभी गिटार खरीदने की सोच रहा है तो ये बेस्ट टाइम रहेगा गिटार खरीदने के लिए, क्योंकि इसमें आपको ह्यूज डिस्काउंट्स मिलेगा गिटार पे भी और गिटार एक्सेसरीज पे भी। तो गाइस, हम इस वीडियो में बहुत सारी बजट कैटेगरीज को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, और उसमें कौन सा आपके लिए बेस्ट गिटार रहेगा वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ऑलराइट, तो गाइस, अब हम अपनी फर्स्ट बजट कैटेगरी की बात करते हैं जो कि रहता है 1500 to 2500 के बीच में बेस्ट गिटार। तो गाइस, इसमें सिर्फ दो कंपनीज आती हैं, इंटर्न और ज़ुआरेस, ठीक है। ये दोनों कंपनीज की गिटार आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको फोटो दिख रही होगी इंटर्न और ज़ुआरेस गिटार की, ठीक है। और गाइस, अभी इसकी कॉस्ट जो चल रही है वो अराउंड 2600 चल रही है, बट मैंने लास्ट सेल में देखा था इसकी कॉस्ट अराउंड 1690 यानी कि 1700 to 1800 तक पहुंच जाती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इन दोनों गिटार्स की लिंक दे दी है, वहां से बाय कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम अपनी सेकंड बजट कैटेगरी में चलते हैं जो कि रहता है 2500 to 4000 के बीच में गिटार्स। तो गाइस, इस कैटेगरी में मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है कि प्लीज इस बजट कैटेगरी में आप हमें कोई बेस्ट गिटार सजेस्ट कीजिए। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ। अगर गाइस आपका बजट 2500 to 4000 है तो आपको शायद ऑनलाइन अच्छा गिटार ना मिले, ना ही कोई अच्छा गिटार है इस बजट रेंज में। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो आप ज़ुआरेस या इंटर्न का ले लें 2500 के अंदर, या फिर आप अपने 4000 से थोड़ा सा बजट बढ़ा दें ताकि आप अच्छा और गिटार ले सकें। इन दोनों रेंजेस के अंदर आपको अच्छा गिटार ऑनलाइन नहीं मिलेगा। तो गाइस, अगली बजट रेंज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है ना, ठीक है, उस पर हम सब बात कर सकते हैं, वैसे टेलीग्राम पे ग्रुप होता है। तो मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया जिसमें हम सब अपने गिटार के रिलेटेड डाउट्स डिस्कस करते हैं, गिटार के नोट्स शेयर करते हैं, अपनी वीडियो शेयर करते हैं और सब कुछ हम एकदम अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम चलते हैं अपने थर्ड बजट कैटेगरी पे जो आता है हमारे 4000 to 5000 के बीच में बेस्ट गिटार। तो गाइस, इसमें हमारे दो बेस्ट गिटार आते हैं। फर्स्ट वन इज योर कैडेंस फ्रंटियर सीरीज, ठीक है। अभी इसकी कॉस्ट अराउंड 5500 to 6000 चल रहा है, बट जब आप इसको सेल के टाइम चेकआउट करेंगे, ठीक है, आपको इसकी कॉस्ट अराउंड 4200 to 4500 के बीच में मिल जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट डील रहेगी। इस कैटेगरी में हमारा सेकंड गिटार जो आता है वो है गिब्सन वीनस इलेक्ट्रोकॉस्टिक गिटार। और इसको मैं काफी सारी वीडियोज में यूज करता हूँ तो ये काफी अच्छा है। तो इसकी कॉस्ट भी अराउंड आपको 4000 to 5000 के बीच में आराम से मिल जाएगी, तो ये भी आपके लिए बेस्ट डील रहेगी। और अगर आपको इनको बाय करना है तो मैंने लिंक इनकी भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऑलराइट, तो गाइस, अब हम बात करते हैं अपनी फोर्थ बजट कैटेगरी की जो कि हमारा रहता है 5000 to 6000 के बीच में बेस्ट गिटार। तो गाइस, इसमें सिर्फ एक बेस्ट गिटार मुझे लगता है जो कि है कैडेंस एकाउस्टिका सीरीज, ठीक है। और इसमें बहुत सारे कलर्स और वेरियंट्स आते हैं, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये देखने में बहुत अच्छा है और प्ले करने में भी इसकी साउंड बहुत अच्छी है। आपको यहाँ पे फोटो दिख रही होगी, ठीक है। अभी इसकी कॉस्ट अराउंड 6800 चल रही है, 7000 भी हो जाती है कभी कभी, बट सेल के टाइम मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अराउंड 5500 या 5800 के राउंड आपको मिल जाएगा। तो काफी अच्छी डील रहेगी आपके लिए। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, अब हमारे अपने बजट प्रीमियम गिटार्स पे, ठीक है, अब हमारी फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं 6000 to 8000 के बीच में आने वाले बेस्ट गिटार्स। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको पता है यामा F310 जो था वो इस कैटेगरी का किंग था और मतलब बहुत अच्छा गिटार था, बट सर्च करेंगे तो आपको वो अवेलेबल नहीं मिलेगा बिकॉज वो सेलर से ही नहीं आ रहा है ड्यू टू कोविड। तो गाइस, उसकी जगह आप जो बेस्ट गिटार बाय कर सकते हैं यामा कंपनी का वो है यामा F280। अभी उसकी कॉस्ट अराउंड 7700 चल रही है, बट ड्यूरिंग द सेल उसकी कॉस्ट जो है वो अराउंड 6000 to 7000 के बीच में हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही विन विन कंडीशन रहेगी, तो आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलराइट, और गाइस, इस बजट कैटेगरी में जो सेकंड गिटार आता है वो है हमारा कैडेंस का A311, ठीक है। इसका भी आपको फोटो यहाँ पे दिख रही होगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये भी एकदम डिट्टो लगता है आपके F310 से, ठीक है, तो इसको भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो गाइस, अब हम आ गए अपने फाइनल बजट कैटेगरी पे जो कि हमारी रहती है 8000 to 10000 के बीच में एकॉस्टिक गिटार्स, ठीक है। तो गाइस, इसमें जो बेस्ट गिटार मेरे हिसाब से है वो है फेंडर का CD60। ये आपको अभी 10000 to 11000 की रेंज में मिलेगा, बट सेल के टाइम अराउंड 8-9000 पे आपको आराम से मिल जाएगा। फोटो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस रेंज में जो सेकंड गिटार बेस्ट है वो है कैडेंस का स्लो हैंड सीरीज, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और इसका बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए आप, साउंड क्वालिटी देख लीजिए, सब कुछ, सब मामले में एकदम फुल बंडल है। इसका फुल बंडल मिलता है आपको
गिटार बैग से लेकर सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा और काफी अच्छे प्राइस में अराउंड 9,000 to 10,000 की रेंज में आपको ये बेस्ट मिलेगा। तो आपको इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस जैसे इन सभी एकॉस्टिक गिटार्स पे अच्छी खासी सेल आने वाली है अमेजॉन ग्रेट इंडियन सेल पे, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक गिटार्स पे भी काफी अच्छी सेल रहेगी। जो हमारे फेंडर का इलेक्ट्रिक गिटार है या फिर अगर आप लोअर बजट रेंज में जाए इबानेज में, ठीक है, तो इनमें भी अच्छी अच्छी आपको डील्स मिल जाएंगी। मैं उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलराइट, अब गाइस हम बात करते हैं एक्सेसरीज की। एक्सेसरीज में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज योर गिटार बैग, सेकंड वन इज योर स्ट्रिंग्स एंड थर्ड वन इज योर कैपो। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं अपने गिटार बैग्स की। तो गाइस अगर आपको एक चाहिए एक स्टर्डी एक फुली पैडेड गिटार बैग जो कि आपके गिटार को कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड रखे, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट कंपनी रहेगी ट्रू कल्ट की। ठीक है, यहाँ पे आपको गिटार बैग दिख रहा होगा गाइस, ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा गिटार बैग है, फुली पैडेड मिलता है, ठीक है, तो गिटार में कहीं भी स्क्रैच नहीं लग सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ मतलब आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी मिलती है और ऑल ओवर ये बहुत ही बढ़िया गिटार बैग है। अभी इसकी कॉस्ट जो है अराउंड 1100 चल रही है, बट सेल के टाइम आपको 800 टू 900 में ये बेस्ट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आप इसको जरूर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, एक और बात गाइस, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, ये मैं जितनी भी है सब अपने ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ। जो मुझे बेस्ट चीज लगती है इस बजट कैटेगरी में वो मैं आपको चीजें रिकमेंड कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब सेकंड चीज की बात करते हैं गाइस, जो सेकंड गिटार बैग आता है वो है एक्स टैग का। ठीक है, अगर आपको इतना महंगा नहीं लेना है ट्रूकट जैसा, तो एक्स टैग का आपको अराउंड 500 to 600 अभी प्राइस चल रही है, तो अराउंड 400-450 तक आपको ये बजट पैडेड गिटार मिल जाएगा और काफी अच्छा है ये भी गिटार एक्स टैग का। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने स्ट्रिंग्स वाले पार्ट पे। स्ट्रिंग्स गाइस बहुत सारे टाइप्स की आती हैं, ठीक है, मोस्टली ब्रॉन्ज ही होती हैं, तो आप इसमें 500 की स्ट्रिंग्स में मिल जाएंगी आपको, 300 की भी मिल जाएंगी, 400 की मिल जाएंगी, और सबसे सस्ती आई गेस 130 या 140 की मिलती हैं जो कि एलाइस की होती हैं। ठीक, अपने हिसाब से उनको आप चूज कर सकते हैं क्योंकि उनमें भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा इस सेल में। ठीक है, और सबसे सस्ती अगर स्ट्रिंग्स की बात करें तो हमारे एलाइस की हैं, वो भी अच्छी हैं, अगर आप नॉर्मल प्लेइंग करते हैं वो उसके लिए भी आपके लिए थम्स अप रहेगा। ऑलराइट, अब गाइस हम लास्ट बात की बात करेंगे केपो की। तो गाइस केपो को ज्यादा प्रेफरेंस मत दीजिए, जो भी आपको अच्छा सेल के टाइम मिलता है 100, 120, 130 तक आप ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि केपो का कोई ऐसे पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है जो कि बेस्ट केपोस बनाते हैं, तो उसके लिए मैं कोई रिकमेंड ऐसा नहीं करूंगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो मैं अभी करंटली यूज कर रहा हूँ, आप उसी को बाय कर सकते हैं, वो अच्छा है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में तो इतना ही मैंने आपको बताना था। आई होप मैंने आपके सभी के डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, जितने भी मुझसे डाउट्स पूछते थे कौन सा गिटार लेना चाहिए किस बजट कैटेगरी में। आई होप अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी और आप इस सेल के टाइम जरूर अपना ड्रीम गिटार बाय करेंगे। और साथ ही साथ गाइस अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरे से ऐसे बात करना चाहते हैं ग्रुप में जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन गिटार्स को चेकआउट कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट को क्लियर आउट करूंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एज ऑलवेज, पीस आउट।